हेलो स्टूडेंट, ये जो है एक चैप्टर नंबर 8 का आखिरी एक्सरसाइज है। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बड़े अच्छे से समझिएगा एंड आई होप कि इससे पहले जो है आप एल्गोरिथम्स वाले जो लेक्चर है वो आपने वॉच किया है, ठीक है, ताकि यहाँ समझने में डिफिकल्टीज ना जाए, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट, सेवेंथ, एट्थ, ये तीनों ही क्वेश्चन सेम पैटर्न पे हैं। तो देखिए, एक करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये होमोजीनियस इक्वेशंस है, एक्स इक्वल्स टू जीरो। अब ए कंपेयर कीजिए, तो ए फाइंड आउट कीजिए। स्टेप वन यही था, तो ये आ गया 2 -1 1, एक्स वाई जेड के कोफिशियंट लिख दिए। यहाँ 3 2 -1, ये लिख दिए 1 4 3, ये लिख दिए। स्टेप टू, फाइंड मॉड ए, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया 2, ये 4 आ जाएगा। इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम्स के एलिमेंट्स को एलिमिनेट कीजिए, ये 4। नाउ माइनस माइनस प्लस 1, ये 4 यहाँ आ गए। देन प्लस 1, ये और ये अलग, ये 4 यहाँ आ गए। नाउ 2, ये 6 प्लस 4 10, प्लस 1 9, प्लस 1 10, प्लस 1 इंटू 12 माइनस 2, तो ये भी आ गया 10, 20, 30, 40, ये 40 आ गया। मीन्स स्टेप 3 क्या था, इफ मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन इट हैज अ सिंगल सॉल्यूशन, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा एंड दैट विल बी एक्स इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0। तो बड़े ही आसानी से एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई, क्लियर। ये भी और ये भी, इनके भी आंसर्स यही है, मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्लियर। देखिए, नाउ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये बचे, इनको करते हैं। तो देखिए, स्टेप वन, एक्स इक्वल्स टू 0, इससे कंपेयर कीजिए, तो ए निकल जाएगा हमारा 2 -1 2, 5 3 -1, 1 5 -5, ये क्लियर। नाउ स्टेप टू, फाइंड मॉड ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये आ गया हमारा 2, ये 4, माइनस माइनस प्लस 1, ये 4 एंड देन प्लस 2, ये 4, क्लियर। नाउ ये बन गया हमारा, देखिए, -15 और ये हो जाएगा प्लस 5, मीन्स -10, प्लस 1 इंटू -25 और प्लस 1 -24, प्लस 2 25 -3, ये आ गया 22, ये बन गया हमारा -20, -24, प्लस 44, -44, प्लस 44, ये आ गया 0, ठीक है। तो ये 0 जब आ गया, तो हमें पता है कि अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ गया, इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और क्या स्टेप था, कि ऊपर के दो या किसी भी दो इक्वेशंस में जेड के प्लेस पे के को रख दे। तो नाउ पुट जेड इक्वल्स टू के इन, मान लिया हम इसको नंबरिंग कर दें, इन इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या मिल जाएगा, 2x - y इज इक्वल्स टू -2j 2k। यहाँ क्या आ गया, 5x + 3y इक्वल्स टू प्लस के, क्योंकि ये माइनस के इधर आ गया तो प्लस के, ये आया समझ में। अब देखिए, अगेन हम अब इसको कंपेयर करेंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी से, तो ए यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 5 -1 3, क्लियर। नाउ अगेन मॉड ए चेक करें, ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 6 और ये प्लस 5, ये हो गया 11। अब इफ मॉड ए इज नॉट इक्वल्स टू 0,
और ये जो इक्वेशन है यहाँ ध्यान से देखिए, जीरो जीरो नहीं है, तो होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है कि सीधा एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो लिख दें। यहाँ पे क्या होगा, जब ये पिछले एक्सरसाइज में देखा था कि अगर जीरो नहीं है तो हमें सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी से। अब यहाँ पे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा, तो ए हमारा ये है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो एडजॉइंट निकालने के लिए निकालना पड़ेगा को फैक्टर्स, तो यहाँ चार एलिमेंट है, तो सी वन वन सी वन टू सी टू वन सी टू टू निकलेगा, और ये हो जाएगा आपका वन वन माइनस वन की पावर टू इवन, तो प्लस यहाँ माइनस टू प्लस वन थ्री ऑड, तो माइनस टू प्लस टू फोर, तो इवन, तो प्लस आ गया। नाउ वन वन मीन्स ये पोजीशन हुआ, तो इस पोजीशंस के लिए को फैक्टर निकाल रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम के एलिमेंट को अलग कर दीजिए, थ्री बचा, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ थ्री थ्री ही कहलाएगा। वन टू तो ये अलग और ये अलग, फाइव मिला। टू वन यहाँ माइनस वन मिला, तो माइनस ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा प्लस वन। नाउ टू 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 मिला, तो ये, तो को फैक्टर मैट्रिक्स हमारा मिल गया। देखिए को फैक्टर मैट्रिक्स बन गया सी वन वन सी वन टू सी टू वन सी टू टू, क्लियर। तो एडजॉइंट निकल जाएगा इसका, तो एडजॉइंट ऑफ ए ये क्या होगा, ये बनेगा हमारा को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ये क्या होता है, को फैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख दीजिए, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख दीजिए, तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। और डिटरमिनेंट ऑफ ए ये हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे, सिक्स प्लस फाइव इलेवन आया था, ठीक है, तो मॉड ए है हमारा इलेवन, ठीक है। तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए, तो वन बाय इलेवन थ्री माइनस फाइव वन टू, तो ये आ गया ए इनवर्स। और एक्स क्या है, ए इनवर्स बी, तो एक्स क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी, बी क्या है माइनस टू के और प्लस के था, ठीक है, तो ये हो गया वन अपॉन इलेवन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया माइनस सिक्स के और प्लस के, तो माइनस सिक्स के प्लस के ये आ गया माइनस फाइव के, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया टेन के और ये प्लस टू के, तो ट्वेल्व के। दैट्स वाई, तो एक्स के प्लेस पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एक्स वाई से, तो एक्स हो गया यहाँ पे माइनस फाइव बाय इलेवन के, वाई आ गया ट्वेल्व अपॉन इलेवन के, और जेड हमने क्या माना था, के माना था, तो ये आंसर आ गया। बहुत ही आसान टॉपिक है, ये भी सिमिलरली बन जाएगा। तो यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 8 भी समाप्त हुआ, एंड आई होप कि अच्छे से समझ में आया हो, ठीक है।